छठी मैया की बोला, छठी मैया की इधर इस तरफ आप लोग सभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए, इस तरफ बना हुआ चेंज करने के लिए, वस्त्र चेंज कर सकते हैं, कृपया करके मर्यादा का पालन करें। लेडीज और जेंट्स का दोनों, जेंट्स इधर बना हुआ, जेंट्स उस तरफ और लेडीज इस तरफ, सभी से मेरा निवेदन है मर्यादा का पालन बनाए रखे छठ घाट पर, ताकि उनका दीदार होगा। बहुत सारी झांकियां आई है आज, जब तक आप आनंद लेना चाहेंगे तब तक आपको पूर्वांचल छठ पूजा समिति की ओर से माता रानी के चरणों में भजन भजन के साथ नमस्ती की जाएगी। बोले छठी बाहर में थोड़ा सा वेट करना पड़ा सभी को, और उसके बाद बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियों का दीदार होगा आज महारानी के दरबार में, और बहुत सुंदर झांकी आप सभी के बीच में, देवों के देव महादेव शमशान के वासी भोलेनाथ, बोले शंकर भगवान की। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश, और इस वक्त हम हैं बैंक कॉलोनी जो कि जेल रोड है, मंडोली जेल के नाम से फेमस है, उसके पास में बहुत बड़ा छठ पूजा जो छठ पर्व है उसका मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूर्वांचल क्षेत्र की और बिहार स्टेट के और अन्य स्टेट के जो यहाँ पे भीड़ जो दिल्ली में देखने को मिल रहा है बैंक कॉलोनी में, वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जिस प्रकार से जो दिल्ली के जो सरकार है, माननीय केजरीवाल जी ने पूरा छठ पर्व के लिए इन्होंने पूरा आयोजन किया हुआ है, पूरा हर प्रकार से किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो, वो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है कि कोई हौच पोच नहीं है, भीड़ है, और आराम से अर्घ जो होता है पानी का वो मिल रहा है पूरे परिवार के साथ में। यहाँ पे जो बिहार और पूर्वांचल के जो लोग हैं वो अपने त्यौहार को मना रहे हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रजीत जी बन चुके हैं। डॉक्टर इंद्रजीत जी, क्या कहना है आपने, आपके क्षेत्र पे छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है आज? हमारे दिल्ली प्रदेश सरकार जो हमारी आम आदमी पार्टी सरकार है, हमें 800 घाटों का निर्माण कराया है, जो पहली बार पूर्वांचल में इतनी सहूलियत दी है वो हमारे केजरीवाल सरकार ने दी है। आज ये हमारे जो हो रहा है, जो यहाँ पे घाट बनाएगा, ये हमारे केजरीवाल सरकार है। जगह जगह हमारे जो वार्ड हैं, चार वार्ड हैं, चारों वार्डों में इन्होंने हम घाट बनाए गए, जिससे हमारी पब्लिक को सुविधा मिल सके, हमारे पूर्वांचल को ये सारी सुविधा दी गई है, वो आम आदमी पार्टी दी है। हमारा यही है कि आज जो हमारे पूर्वांचल है आज के इस त्यौहार पर उनको हार्दिक धन्यवाद। तो ये हमारे बीच में थे डॉक्टर इंद्रजीत जी, जो कि लोगों को हार्दिक धन्यवाद दे रहे हैं, और जो छठ पर्व है वो किस प्रकार से, मतलब कि हर साल के बजाय इस साल की जो तादाद देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार को आपके जो पूर्वांचल को सुविधा दी है, पहली बार है ना, आज तक कांग्रेस सरकार ने दी ना बीजेपी सरकार ने दी, आज जो 8 घाटों को निर्माण कराया गया है, ये आम आदमी पार्टी सरकार की देन है, ये केजरीवाल सरकार की देन है। हमने तो आज से देखा घाटों के हाथ निर्माण हुए, आज कितनी भीड़ हो रही है, कितना अच्छा करा है, ये दिल्ली सरकार की देन है, ये हमारे मान्य विधायक जी देन है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार की पहल है, और उस पहल में जो आप जो देख रहे हो कि हजारों लोगों की जो भीड़ है, वो भीड़ देखने से पता चल कि जो दिल्ली सरकार ने जो जिस प्रकार से सुविधा दे रखी है यहाँ पे अर्घ करने की, पानी में खड़ा होने की, वो हर प्रकार के मतलब कि सुविधाएं सुविधा से लेस है, किसी भी प्रकार का कोई होश पोच नहीं है। और इस बार शांतिपूर्ण इस त्यौहार को मनाने के लिए केजरीवाल जी ने खुद अपने पेज पे भी लोगों को धन्यवाद कहा।